समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत व मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव टांडा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायतों के मनरेगा के पक्के कार्यों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ग्राम प्रधानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में संचालित गौशालाओं में तैनात गौ सेवकों का भुगतान मनरेगा से कराया जाए। ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। संगठन ने उन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। इस दौरान खैलार प्रधान प्रियंका गौतम, मुरारी प्रधान महेंद्र कुमार, मथुरापुरा जशरथ, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ागांव रघुनाथ सिंह व गुड़ा प्रधान उमेश सहित तमाम ग्राम प्रधान व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। प्रदीप टाड़ा, मंडल अध्यक्ष प्रधान संगठन झांसी। आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय झांसी को दिया है, जिसमें प्रमुख समस्या हम लोगों की ये है कि जब भी ग्राम प्रधान अवैध कब्जों की शिकायत ग्राम पंचायत की करते हैं तो उस समय जिसकी वो शिकायत करते हैं वो विरोधी उल्टा ग्राम प्रधान के खिलाफ झूठी शिकायतें करते हैं, जान माल की नौबत आ जाती है, कई जगह मारपीट की घटनाएं होती हैं। दूसरा हम लोगों का ये है कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएँ संचालित हैं उनमें जो गौ सेवक हैं, हम लोगों की मांग है कि उनका भुगतान नरेगा से किया जाए। और सबसे जो प्रमुख समस्या है वर्तमान में ग्राम प्रधानों की, मनरेगा के पक्के कार्यों का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ग्राम प्रधानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि हम लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने की कृपा। हम लोगों ने अभी प्रथम दृष्टा पे शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है और अगर हम लोगों की मांगे या हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो प्रधान संगठन धरना प्रदर्शन के लिए भी बात होगा और हम लोग जो है ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।